नमस्कार, आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा। दोस्तों, ये किस्सा राजेश खन्ना, प्रेम चोपड़ा और फरीदा जलाल का है। राजेश खन्ना ने बॉलीवुड पर 60 और 70 के दशक में एक छत्र राज किया था। उनका स्टारडम इतना था कि आज तक कोई भी सुपरस्टार उसे छू भी नहीं पाया। उस जमाने में उनकी हर फिल्म सुपरहिट हो रही थी, जिस वजह से निर्माता निर्देशक उनके आगे पीछे घूमते रहते कि वो उनकी फिल्म में काम कर ले। और हद तो तब हो गई जब डायरेक्टर्स ने उनका पीछा अस्पताल में भी नहीं छोड़ा। दरअसल एक बार राजेश खन्ना पाइल्स के इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती हुए थे। जब निर्माताओं और निर्देशकों को इस बात का पता चला तो उन्होंने राजेश खन्ना के आसपास के सभी बेड बुक करवा लिए ताकि वो मौका पाकर उन्हें अपनी फिल्म की कहानी सुना सकें। राजेश खन्ना के शानदार बंगले आशीर्वाद में निर्माताओं की भीड़ लगी रहती। वो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में पहले ऐसे सुपरस्टार बने जिनकी 15 फिल्में एक के बाद एक हिट होती गईं। मुमताज और शर्मिला टैगोर के साथ उनकी जोड़ी को खूब पसंद किया गया। उनकी जिंदगी में शोहरत का सूरज जिस तेजी से ऊपर गया उसी नाटकीय ढंग से ढल भी गया। उनकी असफलता के पीछे जानकारों ने कई कारण गिनाए, जैसे वो सेट पर हमेशा लेट पहुंचते थे, अपनी आलोचना वो बर्दाश्त नहीं कर पाते थे, बदलते वक्त के साथ उन्होंने किरदारों में बदलाव नहीं किया, वगैरह वगैरह। उनकी असफलता पर अभिनेता प्रेम चोपड़ा ने एक इंटरव्यू में कहा था कि बदलते वक्त के साथ राजेश खन्ना खुद को बदल नहीं पाए। प्रेम चोपड़ा ने कहा था कि राजेश खन्ना बदलते वक्त के साथ अपने आप को बदल नहीं पाए। जो काम अमिताभ बच्चन ने किया वो राजेश खन्ना नहीं कर पाए, वो अपनी पुरानी सफलता में ही डूबे रहे। राजेश खन्ना अपने स्टारडम में इतने डूबे थे कि जब ये ढलना शुरू हुआ तब वो शराब में डूबते चले गए। वो अनुशासनहीन जिंदगी जीने लगे थे और डिंपल कपाड़िया के साथ उनकी शादीशुदा जिंदगी भी ठीक ठाक नहीं चल रही थी। राजेश खन्ना अपने से जूनियर और नए कलाकारों के साथ भी काम करने में असहज महसूस करते थे। इस बारे में आराधना में उनके साथ काम कर चुकी अभिनेत्री फरीदा जलाल ने बताया था कि उनके साथ एक न्यूकमर का काम करना आसान नहीं था। मशहूर अभिनेता महमूद ने इस बारे में अपना अनुभव एक बार बताया था। उन्होंने कहा था कि काका सेट पर किसी से बात नहीं करते थे, जूनियर कलाकारों और असिस्टेंट्स की तरफ तो देखते तक नहीं थे। और यही गुमान, यही गुरूर धीरे धीरे राजेश खन्ना को ढलान की तरफ ले गया, असफलता की तरफ ले गया। और फिर एक सुपरस्टार का सूरज हमेशा हमेशा के लिए अस्त हो गया। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।